बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से एक बिल को पेश किया गया है। अगर वह बिल कानून बन जाता है तो हमारी जितने भी मकतब की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, मदारिस की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, उन सभी पर हमारे सरकार की कब्ज़ा हो सकती है, जिसको रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ओपोजिशन पार्टी की तरफ से बहुत ही पुरजोश मेहनत करने के बाद, विरोध करने के बाद इस कानून को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत सौंपा चले गया है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा कहा गया है कि अगर आप इस बिल को बचाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही मौका है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों में आप उसको जीमेल कर सकते हैं। इस जीमेल को करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक क्यूआर कोड दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपका जो भी बिल के खिलाफ हम लोगों के द्वारा एक खत बनाया गया है, वो खत जो है जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहुंच जाएगा, और इसका अंतिम तारीख जो है वह 13 सितंबर तक ही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोगों से इस क्यूआर कोड को स्कैन करवाएं। अब चलिए जानते हैं कि इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे कैसे। तो इस तो आप या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। इस पर आपको कुछ नहीं करना है। जेपीसी के द्वारा कहा गया है कि इस खत को आप या तो हिंदी में या इंग्लिश में भेज सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, या तो इंग्लिश पे इंग्लिश को दबाना है या हिंदी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ऑप्शन होता है, ओपन होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ओपन जीमेल ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा और आपका जो है जीमेल वो खुलकर ओपन हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहां पर ये क्लिक हो गया और आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर ही आपको बस क्लिक करना है और आपका काम हो गया। बस इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल जो है वो जेपीसी तक चले गया है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना जीमेल करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह एक कानून बचाने के लिए नहीं, हमारे कौम को सुरक्षित रखने के लिए है। हमारे कौम की जमीन, हमारे पूर्वजों के द्वारा जितने भी दिए गए थे उन सभी को बचाने की वक्त है। तो इसलिए हम सभी उठें और इन सभी आवाज़ को बुलंद करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।